इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन बुधवार है। चतुर्थी तिथि आज रात 11:29 तक रहेगी। आज अब वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज सुबह 8:59 से शुरू होकर कल सुबह 9:26 तक वैधति योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 7:33 से शुरू होकर कल सुबह 10:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आज सुबह 10:14 से रात 11:29 तक स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी। साथ ही आज देर रात 2:22 पर सूर्यदेव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च की दोपहर 1:15 तक यहीं पर रहेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायजाद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 18 मार्च की सुबह सूर्योदय से 10:35 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 मार्च को पूरा दिन पूरी रात तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 18 मार्च की सुबह 10:34 से रात 8:26 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 18 मार्च की सुबह 6:28 से 9:22 तक और दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 18 मार्च की दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मार्च की सुबह 6:25 से दोपहर पहले 11:09 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 18 मार्च की दोपहर पहले 11:17 से रात 8:26 तक और रात 10:45 से सुबह 4:50 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मार्च की सुबह 6:14 से 6:25 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मार्च की शाम 4:45 से रात 8:18 तक और रात 10:37 से सुबह 4:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:50 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक, मुंबई दोपहर 12:47 से दोपहर 2:18 तक, चंडीगढ़ दोपहर 12:31 से दोपहर 2:01 तक, लखनऊ दोपहर 12:15 से दोपहर 1:45 तक, भोपाल दोपहर 12:29 से दोपहर 1:59 तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:45 से दोपहर 1:16 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:48 से दोपहर 2:18 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:17 से दोपहर 1:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों के बौछार लेकर आया है। आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दीजिए जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको अपने काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में संतुलन रहेगा। इस राशि के सरकारी टीचर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। अगर जीवन साथी के साथ कुछ समय से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आज इस बात को सुलझाने के लिए दिन ठीक है। पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आप खुद को काम के बोझ तले महसूस करेंगे। ये सारी परेशानियां घर और ऑफिस से रिलेटेड हो सकती हैं। बेहतर होगा आज आप शांत रहकर अपनी प्राथमिकता को पहले तय करें। इस राशि के सरकारी विभागों से जुड़े लोगों को ऑफिस में काम का प्रेशर ज़्यादा होगा। अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी रखें, इससे आपके बिगड़ते काम बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आज आपकी शादी के लिए कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आज आप आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए। हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाए। इस राशि के स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। बेहतर है अपने गुरु से, अपने टीचर से परामर्श लीजिए। अगर आप अपने व्यापार को किसी दूसरे राज्य में फैलाना चाहते हैं तो आज इस कार्य की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। आज अचानक आपके परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। परिवार वालों का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी नम्रता और समझदारी आपके रिश्ते में आई खटास को दूर करेगी। आज आपके द्वारा कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। इस राशि के जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या कुछ अच्छे भविष्य की तैयारी करना चाहते हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज आपका पूरा दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा। शाम को घर पर ही परिवार वालों के साथ डिनर का प्लान भी बनेगा। अगर आप खेलकूद में रुचि रखते हैं तो आज आपको किसी कोच का फोन आएगा और भविष्य की योजना की तैयारी में जुट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में रहेगा। आज जिसमें आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है जिसका फायदा आपको भविष्य में होगा। इस राशि के जो लोग व्यापार करते हैं आज वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी अच्छी कंपनी से डील फिक्स कर सकते हैं। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आज आपको कहीं अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। मेडिटेशन करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। अगर अपने गुस्से भरे व्यवहार पर काबू नहीं किया तो आज आपके हाथ में आए अवसर निकल जाएंगे जिसके कारण आपका मन थोड़ा विचिंतित रहेगा। आज लंबे समय से चल रही परेशानियों का हल निकलेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मजबूती और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। आज आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है। हो सकता है आज आपकी कोई पुरानी पुस्तक प्रकाशित हो। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगाइए। साथ ही आज भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों के साथ आज बाहर समय बिताने का प्लान बनेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। साथ ही आज किसी रिश्तेदार से भी फोन पर बात हो सकती है। अगर आज किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है।
माता पिता का के आशीर्वाद से सारे काम आसानी से होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक रहेंगे। आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छी सौगात लेकर आया है। आज आपके कामों की तारीफ हो सकती है, साथ ही प्रमोशन होने के चांसेस भी बन रहे हैं। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज ट्रांसफर ऐसी जगह होगा जहां से आपको अप डाउन करने में आसानी होगी। साथ ही पहले की अपेक्षा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज अपने जीवन साथी के साथ लंच का आनंद भी लेंगे। ऐसा करने से आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आज आपके मन आपको मन की शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपको अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आप बेमिसाल विचारों से भरे हैं, लेकिन ये विचार अपना महत्व खो देंगे अगर आप उन्हें सही तरीके से व्यक्त न कर पाएं। जो बोलें धीरे और स्पष्टता के साथ बोलिए। साथ ही इस बात का ध्यान दें कि सुनने वाला व्यक्ति आपको अच्छी तरह से समझ पा रहा है या नहीं। पूरा प्रयास करें कि दूसरा व्यक्ति वही समझे जो आप कहना चाह रहे हैं। इससे आप अंत में बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आप घर पर संतुष्टि भरा दिन बिताएंगे। साथ ही घर वालों का भरपूर प्यार आज आपको देखने को मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। जो लोग किसी दूसरे राज्य में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आज का दिन उनके लिए अच्छा है। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर्स की मेल आने की संभावना बन रही है। लवमेट के साथ रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन रचनात्मक कार्यों में रहेगा। हो सकता है आज आप किसी नए रचना की शुरुआत करें। संभव हो तो कार्य शाम होने से पहले ही संपन्न कर लें। इस राशि के जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आज उन्हें किसी शो में एक्टिंग करने का ऑफर मिल सकता है। साथ ही पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, लेकिन मनोरंजन पर पैसे खर्च हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति से आज का दिन लाभदायी रहेगा। लवमेट के साथ अपने दिल की बातें शेयर करें, मन को शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपकी कोई पुरानी मनोकामना पूर्ण होगी। इस राशि के बच्चे अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भविष्य में सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही आज बच्चे अपने पिता से परामर्श लेंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लवमेट को आज रिंग गिफ्ट करेंगे। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। महिलाओं के लिए दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। बच्चे भी आज अपने माता पिता की सारी बातें मानेंगे और माता पिता आज उनसे खुश रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर का खाना अवॉइड करें। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज घर में धूप जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई खास काम करने की सोच रहे हैं तो आज पूरा होगा। मूलांक 2, ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतरीन तरीके से पूरा होगा। मूलांक 3, ऑफिस में आप टाइम पर पहुंच जाए, नहीं तो आपको बहुत सी डांट सुनने को मिल सकती है। मूलांक 4, जीवन साथी के साथ डिनर पर जाएंगे जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 5, आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही परिवार के सदस्यों से खूब सारी बातें करेंगे। मूलांक 6, परिवार में सबके साथ किसी खास मामले पर आप बातचीत कर सकते हैं। मूलांक 7, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। मूलांक 8, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा जिससे आप अपने रुके हुए काम पूरे कर लेंगे। मूलांक 9, अविवाहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज विवाह का कोई प्रस्ताव मिल सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे कि ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी से संबंधित चीज़ें रखने से आपको क्या फायदे होंगे। आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा यानी घर के नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में मिट्टी से संबंधित चीज़ें रखने से इस दिशा से संबंधित वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सबकी स्थिति अच्छी होती है। उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी से संबंधित चीज़ें रखने से जीवन में आने वाली हर परेशानी से छुटकारा मिलता है।
इससे घर के सदस्यों के काम में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होती, साथ ही व्यक्ति तरक्की की राह पर अग्रसर रहता है। आपको यह भी बता दूं कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ घर के सबसे छोटे बेटे को मिलता है, उससे तो पूरे घर को फायदा होता है। साथ ही सेहत के मामले में हमारे हाथों को इससे फायदा भी होता है, हमारे हाथ मजबूत बने रहते हैं, लिहाजा आप अपने हाथ से मेहनत वाले कार्य अच्छे से पूरे कर सकते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को घर में पूजा घर कहा गया, वहां पूजा घर रखी, और हमें जो मूर्तियां रखने को कहा जाता था पूजा करने की, वो मिट्टी की मूर्तियां रखने को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि घर में नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट तीनों का एलिमेंट अर्थ है। पांच तत्व हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, पांच तत्व हैं। तो अर्थ यानी पृथ्वी तत्व, क्षित यानी आकाश, जल पावक यानी अग्नि, गगन समीरा, तो ये क्षित पृथ्वी, तो पृथ्वी तत्व जो है नॉर्थ ईस्ट में है, सेंटर में है, साउथ वेस्ट में। अगर उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ रखेंगे, अब हमारे यहाँ मूर्ति का मिट्टी की मूर्ति रखो, आठ अंगुल से ऊंची मत रखो, डिस्पोजेबल मूर्ति रखो, बहुत सी चीज़ें थी। जैसे पहले याद होगा, लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति लाओ, दीपावली के दिन उनकी पूजा करो, परेवा छोड़ के द्वितीया के दिन उन्हें विसर्जित कर दो। लेकिन हम अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि लगभग हर घर में मिट्टी की मूर्ति आती है, उसकी पूजा होती है, साल भर वो पूजा घर में रखी जाती है, और अगले साल जब दोबारा नए लक्ष्मी गणेश आते हैं तो पुराने हटा दिए जाते हैं, नए रख लिए जाते हैं। देखो, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का प्रोविजन तो था, लेकिन इट वॉज ऑल अबाउट टेम्परेरी। हम लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उसमें सबसे अच्छा रुद्राभिषेक काहे का है? पार्थिव पूजन। मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, उसमें ओम आय घूम शुम कुमाराय नमा, कुमार कार्तिकेय की पूजा करो, गणेश जी बनाओ, शिव परिवार बनाओ, मिट्टी का सद्यो जात प्रपद्यामि सद्यो जात आय वही नमो नमा, यानी तुरंत उत्पन्न हुए और उनकी पूजा के बाद तत्काल विसर्जन, सब मिट्टी मिल गया। तो ये जो कंसेप्ट था हमारे यहाँ, ये इतना फोर्सफुल कंसेप्ट है एवरी मोमेंट जीवन की क्षणभंगुरता को पहचानने का। और आपके जीवन में बाधाएं केवल तब नहीं आती जब आप चीज़ों से चिपके नहीं रहते, आपकी अलमारी में ठुसी हुई चीज़ें भरी नहीं रहती, घर में जो कुछ भी एक्स्ट्रा उसे बाहर नहीं निकालते रहते, शरीर में और मन में। मन में भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए, विचारों को ठुसा नहीं रहना चाहिए, उनकी उसको साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, कैथर्सिस, मानसिक वमन, उल्टी, जैसे कोई विष खा ले तो उसको उल्टी कराई जाती, मन में बुरा विचार चला जाए तो उसे निकाल देना चाहिए, घर में ढेर सा सामान हो तो उसे बाहर कर देना चाहिए, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी क्षणभंगुर सामग्री लानी चाहिए। वक्त वक्त पर मिट्टी की मूर्तियाँ लाए, उनकी पूजा की और विसर्जन कर दिया उनको, और हृदय में बसा लिया उनको। गणेश और लक्ष्मी का विसर्जन नहीं करते, उनको हृदय में बसाते हैं, चलिए आगे बढ़े हम तो। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन बुधवार है, चतुर्थी तिथि आज रात 11:29 तक रहेगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। बता दूं कि भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है, इसलिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। आज का दिन तो और भी विशेष है, क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार के दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को सबसे पहले पूजने का दर्जा दिया जाता है। क्यों? किसी भी देवी देवता की पूजा के पहले श्री गणेश की पूजा का विधान है। क्यों? भगवान श्री गणेश को बुद्धि समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में देखा जाता है। चतुर्थी तिथि को गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है, और आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है, और जीवन में चल रही हर तरह की परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। आप देखो, अब गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है, कि ये संकट समाप्त हो जाए कि सबसे पहले किसकी पूजा करनी है, तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी। क्यों? विघ्न राजाय।
विघ्न ना आने पावे, जो पूजा करने जा रहे हैं उसमें महाराज किसी तरह की बाधा ना आए। आयन मौके पर ऐसा ना हो हम पूजा करने बैठे और किसी ने घर की घंटी बजा दी और उसके कोई बड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया कि भाई तुरंत पहुँचो अब पूजा को। तो गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है कि हम जो पूजा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितनी देर पूजा करें उतनी देर भगवान कोई बाधा ना आए, कोई आफत ना आए। और गणपति के स्मरण मात्र से बाधाएं नष्ट हो जाती हैं ऐसा कहा गया है। और ये हमारी ब्रेन की स्ट्रेंथ है क्या। और गणपति देखिए हम बार बार आपको बताते हैं ऐसा क्यों है, गणपति का गजमुख क्यों है, बुद्ध के देवता कैसे हैं, विघ्नराज कैसे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा अब चतुर्थी तिथि में तो उनकी पूजा, अब ये हुई बात वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। अच्छा अब आज वाले योग की भी बात करनी है। तो आज सुबह 8:59 से शुरू होकर कल सुबह 9:26 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग के बारे में हम बार बार बताते हैं, जो काम स्थिर हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन भाग दौड़ो यात्रा वगैरह वैधित योग में नहीं करनी चाहिए। और साथ ही आज सुबह 7:33 से शुरू होकर कल 10:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, जो भरण पोषण करे। नक्षत्रों की श्रेणी में भरणी दूसरा नक्षत्र है, इसका अर्थ है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में ही है, लिहाजा इसकी राशि मेष है। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे उनको हमेशा आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आंवले का पेड़ लगाना चाहिए और आंवले को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भरणी नक्षत्र में पैदा हो वो आंवला ना खाएं, आंवले से बनी कोई चीज़ ना खाएं, अचार ना खाएं, मुरब्बा ना खाएं, आंवले से बना यहाँ तक कि आंवले से बनी औषधि का सेवन भी ना करें। और अब बात करते हैं भद्रा की। तो आज सुबह 10:14 से रात 11:29 तक स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी। वैसे तो अशुभ भद्रा यानी पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन स्वर्ग लोक की भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी पर नहीं। आप शुभ कार्य में कोई आप इस जो शुभ मुहूर्त इस बीच के हैं आप उनमें अपने अच्छे कामों कर सकते हैं। इसके साथ ही आज देर रात 2:22 पर सूर्यदेव उत्तराभाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च की दोपहर 1:15 तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये थी चर्चा भद्रा सूर्य के उत्तराभाद्र पर प्रवेश की। और अब बात करते हैं वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली के नए रास्तों को खोलना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश की पूजा के समय एक लाल रंग का कलावा या मौली लेकर उनके चरणों में रख दें। जब पूजा समाप्त हो जाए उस कलावे में 7 गांठें बांधकर उस पर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जप करके उसको अपने पास रख लें, आनंद हो जाएगा। और अगर आप अपने किसी विशेष काम में लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज एक कच्चा नारियल लेकर उस पर रोली से तिलक करके भगवान गणेश के चरणों में लगाकर तोड़ दें और उसका प्रसाद छोटे बच्चों में बांट दें, साथ ही स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप किसी क्षेत्र विशेष में विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को लाल सिंदूर चढ़ाएं, साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है मेधोलकाय स्वाहा, मेधोलकाय स्वाहा। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन सफ़ेद धागे में पिरोकर लाल फूलों की एक माला बनाएं और ध्यान रखें कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं माला में उतनी ही संख्या में फूल पिरोने। अब इस माला को भगवान गणेश को अर्पित कर दें और उनसे हाथ जोड़कर अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की खूबसूरती को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज एक चंदन का टुकड़ा लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर गणेश पूजा के समय भगवान की प्रतिमा के पास रख दें और पूजा समाप्त होने के बाद चंदन बंधे उस कपड़े की गांठ को खोलकर चंदन को पूजा घर में रख दें और इस्तेमाल में ले लें और उस लाल रंग के कपड़े को अपने कपड़ों की अलमारी में रख दें। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले से ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज पान बनाने वाले के यहाँ से एक साफ सुथरा पान का पत्ता खरीद लें। अगर वो डंडी सहित हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मिल जाए ले आइए। उस पर हल्दी से स्वस्ति का चिन्ह बनाकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करें।
और अगर आप अपने बिजनेस संबंधी हर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र में दिए गए भगवान गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है, प्रणम्यशर सादेवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये। देखो ये बेसिकली गणपति का पूरा जो नारद ने बताया है उसका है, उसकी शुरुआती लाइनें हैं। प्रणम्यशर सादेवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये। बस यहाँ तक। उसके आगे है, प्रथम वक्तुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्तम चतुर्थकम, ये सब है लेकिन आप ये इतनी लाइनें पढ़िए खाली, इससे आनंद हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी की आमदनी कुछ ढीली चल रही है, उनकी कमाई सही ढंग से नहीं हो पा रही, तो आज एक डिब्बी में सिंदूर भरकर उसमें एक रुपए का सिक्का डालें और उस डिब्बी को बंद करके माता गौरी के चरणों में रख दें। अब माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद वहाँ रखे सिंदूर की डिब्बी में से सिक्का निकालकर अपने जीवन साथी को संभाल कर रखने के लिए दे दें और सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में दें। अगर आपको नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या किसी कारणवश आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आज भगवान को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, श्री गणेशाय नमः। अगर आप अपनी सफलताओं का लंबे समय तक फायदा उठाना चाहते हैं तो आज 11 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें हल्दी से रंगकर गणेश पूजा के समय मंदिर में रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में ही रखा रहने दें। और अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को भरपूर सुख से भर देना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उनके सामने एक पान के पत्ते पर सुपारी का जोड़ा रखकर चढ़ाइए। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोर कर अपने जीवन में आनंद भर देना चाहते हैं तो आज इलायची के दाने लेकर एक छोटी सी माला बनाइए और उस माला के बीच में एक लाल रंग का फूल भी जरूर लगाइए। अब उस माला को भगवान गणेश को अर्पित कर दें। तो ये सारी चर्चा थी आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं श्री डोडा गणपति मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर भारत के शहर बेंगलुरु में स्थापित है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश का विग्रह 110 किलो मक्खन से बना है जो कभी पिघलता नहीं है। हर 4 साल में ये मक्खन जिला प्रशासन द्वारा बदला जाता है और मक्खन भक्तों में बांटा जाता है। विग्रह की ऊंचाई 8 फीट जबकि चौड़ाई 16 फीट है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1537 में कराया गया था। ये मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। यहाँ एक नंदी की विशाल प्रतिमा भी है जो एक ही पत्थर से बनाई गई है। लोग दूर दूर से यहाँ गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गाल पर तिल के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है या फिर बाएं गाल पर तिल है तो क्या अच्छे बुरे फल मिलेंगे, आज उसकी चर्चा करेंगे। अगर दाहिने गाल पर तिल हो तो व्यक्ति खूब धनवान होता है, उसकी पैसों की तिजोरियां भरी रहती हैं और खूब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता है। और इसके विपरीत बाएं गाल पर तिल होता है तो पैसों के मामले में कभी कभी तंगी हो सकती है। इन्हें बहुत सोच समझ कर अपना खर्च हमेशा प्लान करके करना पड़ता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि जिन लोगों की ठोड़ी के ऊपर तिल होता है उन लोगों की महिलाओं से कमी बन पाती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि आज रात 11:29 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 2:10 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज रात 11:29 तक आपको मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 2:10 तक आपको बेल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गणपति को मोदक का भोग लगाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।